वो उसके घर के चित्तर थे, उसमें खुद ही बाहर आ जाएंगे और ये खुद ही उड़ने भी लग जाएंगे। दो तीन चार पाँच छः। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, ठाक होंगे। दोस्तों अभी मैं ना अपने पेरेंट्स को और अपने सारे पेट्स को ना केले खिलाने वाला हूँ। देखते हैं केले खाते हैं कि नहीं खाते। दोस्तों मैंने अपने पेरेंट्स को ना केले तो डाल दिए हैं, लेकिन ये भी खा नहीं रहे, शायद डर रहे हैं तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये खा लेंगे। तो अभी हम अपनी ना बकरी को पेरेंट्स खिलाते हैं। ओ भाई साहब, ये एक ही झटके में पूरा हो गया, तुम भी खा लो भाई। नहीं नहीं, ये नहीं खा रही। दोस्तों हम अपनी मुर्गियों को केला खिलाते हैं। आ जाओ भाई मुर्गी, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए कितना शौक से करता है। दोस्तों मैंने इनको केले डाल दिए हैं, लेकिन ये खा नहीं रहे, तो शायद ये हमसे भी डर रहे हो, तो हो सकता है ये बाद में केले खा लें, लेकिन हमने इनके लिए ना केला रख दिया है। दोस्तों तो अभी हम अपने ना कल वाले पिजन को खोलते हैं, जो हम कल लक्का लाए थे, हम इनको भी खोलते हैं। थोड़े बहुत घबरा रहे हैं, लेकिन ये जैसे सेट होंगे ना इंशाल्लाह, तो ये सच में खुद ही बाहर आ जाएंगे और ये खुद ही उड़ने भी लग जाएंगे। अभी इनके जब पर आ जाएंगे ना, तो अभी हम इनके पर नहीं काटेंगे, क्योंकि अभी इस घर में सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। ओ भाई साहब माशाल्लाह। दोस्तों मुझे लगता है ना कि ये शायद अभी ब्रीड करने वाले हैं, क्योंकि कल जो मेल है ना, वो फीमेल के ऊपर ना घुटर गूं कर रहा था, तो इंशाल्लाह ये भी जल्द है ना ब्रीडिंग करेंगे। दोस्तों ये जो हम केज बना रहे थे ना, ये तकरीबन मुकम्मल हो गया है, बस इसमें ना अभी मटकियाँ लगानी है। और आज मेरी भाई से बात हुई है, तो आज वो ना इंशाल्लाह जो बजरी मैंने मंगवाए हैं ना, वो भी इंशाल्लाह मेरे पास जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही पहुंचेंगे तो हम इनको इसमें शिफ्ट कर देंगे और इंशाल्लाह उसके आपको अपडेट भी देंगे। आज हमें ना इसके लिए मटकियाँ लेकर आएंगे और मटकियाँ इसमें ना फिट कर देंगे, ताकि हमारे बजरी पैरट जैसे ही आए ना, तो वो ब्रीडिंग करना शुरू कर दें। ऐसे जिस भाई ने ना वहाँ पे रखे हुए हैं ना, जिनको मैंने बोला था आप उठा लें, आप मुझे भेज दीजिएगा, तो उसी पिंजरे में ना एक पैरट ने ना अंडा भी दे दिया। तो इसका मतलब बजरी सारे ब्रीडर पैर हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे ना, तो इंशाल्लाह ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों हमारे पास ना तकरीबन मुर्गी के 11 एग्स हो चुके हैं। आज हम उसको ना एग्स पर बिठाने वाले हैं, तो अभी उसको एग्स पर बिठाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने एग जमा हुए हैं। दोस्तों हमारे पास तकरीबन 12 एग जमा चुके हैं, तो अभी हम ना अपनी मुर्गी को एग्स पर बिठाते हैं। दोस्तों मुझे ना मेरे तितर के बारे में ना कुछ दोस्तों ने मुझे रहनुमाई की है कि ये मेल हैं या फीमेल्स हैं, और इनको ऐसे नहीं वैसे रखना चाहिए। है जो ना अपने ब्लैक तितर को ना दिन में अपनी शॉप पर लेकर जाता हूँ, ताकि वो उनका डर ख़त्म हो जाए। तो कल मुझे ना एक और तितर गिफ्ट मिला है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये बड़े वाला, ये कल मुझे गिफ्ट मिला है, शायद ये भी वाइट तितर ही है, और ये मेल है, इसके ना कांटे आ रहे हैं पाँव वाले, तो ये ज़्यादा नहीं डर रहा, क्योंकि जिस भाई ने मुझे गिफ्ट किया है ना, वो उसके घर के तितर थे। वो जो छोटा है ना, वो तो मैंने आपको दिखाया था। इन दोनों को मैंने इसलिए ना अभी फ़िलहाल घर पर रखा हुआ है, ताकि ये घर के सेट हो जाए। जैसे इंशाल्लाह सेट होंगे ना, तो इनको घर पे रखे रहने दूंगा। ब्लैक तितर का इंशाल्लाह कल मैं ना वीडियो में आपको दोबारा दिखाऊंगा, क्योंकि आज वो ना मेरे पास शॉप पे पड़े और मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम आ गया है मुर्गी को एग्स पर बिठाने का। ये है ना, ये जो हमारी बकरी है ना, घास बचा देती ना और ये सूख जाता है, तो मैं जब भी ना अपनी हैंड्स को एग पे बिठाता हूँ ना, तो उसमें ये डालता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ना तकरीबन मेरे जितने भी बच्चे होते हैं ना, जितने भी मैं एग्स रखता हूँ ना, वो तकरीबन सारे हैच होते हैं, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं। दोस्तों हो सकता है कोई दोस्त मुझसे ना इस बात में मुतफिक ना हो, क्योंकि हर कोई ना अपने तरीके से बिठाता है। मैंने कई मरतबा भूसे में भी बिठाए, लेकिन उसकी ना वो हैच रिज़ल्ट अच्छी नहीं आती, तो मैं हमेशा ना इसी पे ही अपनी मुर्गी को एग्स पर बिठाता हूँ। दोस्तों तो ये भी ना फहद भाई एग्स रख रहे हैं, और एक दो तीन, कितने फहद भाई? सारे 11। हाँ दोस्तों तकरीबन ना 11 हैं, मैंने अभी गिने भी थे, 11 एग्स हैं। कितने? एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए,
ये 7 100 8 9 ये 10 11 11 हाँ दोस्तों, ये तकरीबन है ना 11 एग्स हैं और हम अपनी मुर्गी को इन पर बिठाने वाले हैं। दोस्तों मैंने मुर्गी को ना एग्स के पास छोड़ दिया है। अभी ये ना पहले एग्स देख रही है, इसने ना दूसरे केज में अपना पूरा पक्का किया हुआ है, तो ये और अभी थोड़ी देर में बैठ ही जाएगी। तब तक हम इसका इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। देखना मुर्गी ने ना अपने नीचे एग सेट करना शुरू कर दिए, इसका मतलब है इस मुर्गी को अपना घर पसंद आ गया है, तो इंशाल्लाह इस पर बैठ जाएगी। और आज की तारीख भी नोट करते हैं ताकि हमें ना टाइम पे पता चल सके कि बच्चे होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ना एक बाइट भी नहीं किया, इसका मतलब है कि बनाना लव बर्ड को भी पसंद नहीं है और कॉकटेल को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मतलब दोनों ने ना एक एक बाइट नहीं लिया, तो कल इंशाल्लाह ना मैं इनके लिए कॉर्न सीड्स ले आऊँगा, कल ना मैं इनके लिए ना कॉर्न लेकर आऊँगा, क्योंकि वो ना ये बिल्कुल शौक से खाते हैं। तो अभी इनके लिए ना अकेला निकाल के ना हम बकरी को डाल देते हैं, बाकी ख़राब ना हो, मक्खियाँ वक्खियाँ बैठती रहेंगी, इसको निकाल देते हैं। दोस्तों शेल्टर पे ना काफ़ी गंद हो गया था, हमने ना दो दिन पहले भी सफाई की थी, लेकिन अभी ना कच्चा है ना, तो हमारा सेटअप काफ़ी परेशानी रहती है, बार बार ना ख़राब हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, पत्थर हो जाते हैं, तो उसको ना दूसरे दिन बल्कि रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन ना बल्कि साफ़ करना पड़ता है। तो अभी ना ये फाज भाई थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं, ऐसी सफाई होती है ना तो हम आपको दिखाते हैं कि मुर्गी ना मुकम्मल एग्स पर बैठ गई है या अभी भी वो थोड़ा सा डर रही है। ये देखें राजा, राजा ना अपने बस मस्ती में घूमता रहता है, रानी एक साइड पे रहती है, राजा एक साइड पे रहता है, बस पता नहीं इनकी लगती नहीं है, बस ये ना तकरीबन जब ये रात का हो या खाना हो ना तो ये साथ में खाते हैं। बाकी राजा ना अपनी मस्तियों में घूमता रहता है और रानी बस कहीं ना कहीं पे ना चुप ही खड़ी रहती है। ये इस गौर के पास चिपके खड़ी हुई है। दोस्तों हमने ना गौर्स के भी बर्तन साफ़ कर दिए, तो बस थोड़ी सी सफाई हो जाए तो इंशाल्लाह हम दोबारा इनको घास डाल देते हैं। अरे कबूतर भाई, तुमने घर चेंज कर लिया क्या? हाँ दोस्तों, इनका घर ना अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस केज में ना हमने इन कबूतरों को रखा था ना कल रात को, तो वो कि उस केज में हमने उस मुर्गी को बिठा दिया है, और उसके जो बराबर वाला केज है ना, इसके जो बराबर वाला केज है ना वो कोने वाला, हम रात को पिगिन को ना उस केज में रखेंगे। हमें ना अपने पिजन का लकी कबूतर का ना नाम रखना है। आपने हमें दो नाम ज़रूर बताने, मेल फीमेल के नाम बताने, हम इनके नाम कौन से रखें, तो इंशाल्लाह हम वही नाम रखेंगे जो आप हमें बताएंगे। फाइनली ना ये मुर्गी अंडों पर बैठ गई है और इसने ना सारे एग्स तकरीबन छुपा दिए, क्योंकि अभी बैठी है ना तो ये सारे एग कवर कर लेगी। एग्स भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 11 एग्स हैं, तो ये एग्स को मुकम्मल कर लेगी। ये देखें, ये दो नज़र आ रहे हैं यहाँ से और उस तरफ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे ये मुर्गी ना जब मैंने लास्ट टाइम भी एग्स पर बिठाई थी ना, बड़ी ख़तरनाक थी, जब एग्स में हाथ डालते थे ना तो हमें ना ये काटने को आ जाती थी। अब का पता नहीं, हो सकता है वो उसका फर्स्ट टाइम हो तो इसलिए ऐसा करती हो, अब मुझे नहीं लग रहा कि ये हमें काटने वाली है। तो ये मैं ना गुलाबों को घास डाल देता हूँ, क्योंकि ना ये कब से मुझे देख रही है कि मुझे घास डालो भाई, घास डालो। चलो चलो चलो, खाओ खाओ, तुम शुरू करो। रुको भाई, रुको रुको। अरे यार, इसको ना एक मिनट भी सब्र नहीं होता, बकरियों को इसमें ना अंदर ही मुंह घुसा लेगी। ओ दोस्तों, ये जो घास गिरा है ना थोड़ा, ये ना घास टर्की बर्ड खा रहे हैं, इसका मतलब कि टर्की बर्ड को भी ना घास बहुत ज़्यादा पसंद है। मुर्गियाँ तो वैसे भी खाती हैं, मतलब टर्की बर्ड को भी घास बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें, ये सारा नीचे वाला जो गिरा है ना, ये सारा घास ये खा रहे हैं, और ये अभी ना छोटी बकरी के साथ भी खाना शुरू हो गए। दोस्तों मेरे पास ना अभी सिर्फ ये दो बकरियाँ हैं, लेकिन अभी ना इंशाल्लाह मैं जल्द ही ना 3-4 बकरियाँ और भी लाने वाला हूँ। ये जो बड़े वाली है ना इसको हम सेल कर देंगे, ये छोटे वाली है ना इस तरह की हम टेडी गोट्स लेकर आएंगे, वो जो होती है ना बर्बरी गोट, जिसके कान बिल्कुल ऊपर होते हैं हरन की तरह, वो मैंने एक भाई को भी बोल दिया है कि आप मुझे 4 फीमेल्स और एक मेल्स हाथ करके दें। उन्होंने बोला है जैसे ही इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी की गोट्स आएंगी ना, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और वो आप मुझसे ले जाइएगा।
ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ना हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पेट शेल्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए सरप्राइज के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।